नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आज। और आज हम बात करेंगे, बम्पर भर्तियां निकली हैं उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए। अब एम्बुलेंस के बारे में पहले बता देते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में 108 और 102 आप एम्बुलेंस का परिचालन हो रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक कंपनी है GVK EMRI, ये इसका संचालन करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। कुछ जगह और भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी ये शुरू हो रहा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 75 ज़िले हैं, ये 75 ज़िले में ये सप्लाई दे रही हैं, ये अपना परिवहन कर रही हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप देखते हैं कि आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और आपके मरीज़ को अस्पताल तक पहुंचाने का ये काम करती हैं, इन्हीं में बम्पर भर्तियां निकली हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं वो वीडियो के अंत में, आप वीडियो को पूरा देखिए, उसमें मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। तो पहले देख लेते हैं जो ये भर्तियों का प्रक्रिया जो चल रहा है, आज से इसका शुरू हुआ है। मैं खुद इसमें आज इसकी प्रक्रिया को समझ के और देख के आया हूँ, तो मैं पूरी चीज़ आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अंत तक पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखें, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको पूरी मिल जाएंगी। देखिए 108 और 102 जो दो टाइप की एम्बुलेंस का परिचालन हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो 108 जो एम्बुलेंस होती है वो मात्र आपके जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं और आपातकालीन सेवाएं हैं उनके लिए होती है। और 102 जो सेवा होती है 102 एम्बुलेंस के लिए, वो मोस्टली होती है फीमेल्स, जो गर्भवती महिलाएं और बच्चा अप टू दो साल तक के बच्चों की जो व्यवस्था दिक्कतें होती हैं उनको ले जाने तक की व्यवस्थाएँ। वैक्सीनेशन में भी 102 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया कि जो 108 और 102 एम्बुलेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्होंने यहाँ लिखा है कि 108 102 एम्बुलेंस सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। भर्ती की तिथि 31 जुलाई से 2 अगस्त 2021, समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मात्र 3 दिनों के अंदर ही सारी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर लेना है। इसके पीछे रीज़न कुछ हैं, मैं अभी आपको उसकी भी एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं उस पेपर की कटिंग में कि क्या प्रक्रिया क्यों ऐसा हो रहा है कि अचानक से 3 दिनों के अंदर ही इन्होंने सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो आए इसकी योग्यताएँ, शैक्षिक योग्यताएँ देख लेते हैं कि इसमें EMT की भर्ती है, यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जिसमें इन्होंने मांगा है अधिकतम 35 वर्ष की उम्र तक के इसको कर सकते हैं। साथ में इन्होंने लिखा है कि 10+2 बायोलॉजी के साथ किसी भी विषय में स्नातक अथवा BPharma, DPharma, DMLT, BMLT, BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, GNM, ANM, BSc लाइफ साइंस, BAMS, BHMS, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज, यानी जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए इन्होंने ये योग्यताएं रखी हुई हैं, जो एम्बुलेंस में डॉक्टर के न होने पर ये अपनी सेवाएं मरीज़ को जिंदा रखने के लिए देते हैं। यानी जो भी उनको नॉर्मल तरीके से केयर देनी होती है वो देंगे, नहीं समझ में आता है तो सीधे कॉल करके ऑन कॉल डॉक्टर से जानकारी लेके उसको मेडिसिन देते। जैसे कभी कभी होता है कि किसी को बेहोश हो गया है पेशेंट और आपको एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक उसको जीवित बना के रखने के लिए उसकी कंडीशन को पहचानना है कि क्यों बेहोश है और हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पायलट या कैप्टन। पायलट या कैप्टन नाम से आप मत समझिए, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर के लिए है। ये भी अधिकतम 35 वर्ष है, इसकी योग्यता न्यूनतम 8वीं पास हो या फिर फेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट दोनों लाना अनिवार्य है। LMV यानी आपका जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है ड्राइविंग के लिए, वो लाएंगे, प्लस 3 साल का आपको ड्राइविंग का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये दो तरह की वैकेंसियां हैं, EMT एंड पायलट कैप्टन की, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में हैं चलिए हम वो देख लेते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर, अयोध्या और बाराबंकी, अमेठी, यह मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ कि इन जनपदों के लिए आप आवेदन करेंगे। आवेदन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाना है। आज का समय निकल गया है, कल 1 तारीख और 2 तारीख यानी परसों तक ही आपको डायरेक्ट ये जो जगह दी हुई है वहाँ जा सकते हैं। जैसे इन्होंने जनपद के हिसाब से एक जगह निश्चित कर दी है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट वहाँ भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और भर्ती में क्या क्या प्रक्रियाएं करी जा रही हैं, कैसे किया जा रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मैं खुद आज इसको पूरा कंप्लीट करके आया हूँ। देखिए इन जनपदों के लिए अम्बेडकर नगर में जो रहते हैं, अयोध्या में जो रहते हैं और बाराबंकी अमेठी में रहते हैं, उनको कहाँ जाना है, RD इंटर कॉलेज सुचितागंज तहसील सोहावल गेट के सामने अयोध्या में जाना है। यानी इनका जो सेंटर बनाया गया है वो अयोध्या में है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितौरा बहराइच में बनाया गया है इसका सेंटर। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव के लिए रिजर्व पुलिस लाइन यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ में बनाया गया है।
बलिया मऊ के लिए पुलिस लाइन आजमगढ़ में बनाया गया है, बस्ती गोरखपुर के लिए पुलिस लाइन बस्ती में बनाया गया है इसका सेंटर, महाराजगंज संत कबीर नगर अचल प्रशिक्षण केंद्र सीएमओ कार्यालय के पीछे सिद्धार्थनगर में बनाया गया है, बागपत मेरठ वाला सेंटर पुलिस लाइन बागपत में बनाया गया है। ऐसे ही आप लोग इसको देख लीजिए और जिनका जहां सेंटर है और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं उस सेंटर पर जाके अपना दे सकते हैं ऐसा। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप किस कहीं भी बाहर हैं अगर तो बाहर ही अपने नज़दीक सेंटर पर जाके अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ज़रूरत क्या क्या है, इच्छुक अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्र, 5 फोटोग्राफ और संबंधित कागजातों के साथ उपरोक्त पते पर संपर्क कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यानी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हों वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाएँ, फोटोकॉपी साथ रखें, साथ में ओरिजिनल भी साथ रखें, क्योंकि प्रक्रिया में ज्वाइनिंग करने तक का ज़्यादा समय नहीं है, आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दी जाने वाली है तो ज़्यादा टाइम पेंडिंग नहीं है। तो इसमें प्रक्रियाएं क्या क्या हो रही हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले वहां लोग एकत्रित हुए, पुलिस लाइन पर पहुंचे तो लगभग 150-200 लोग रहे होंगे, वो 150-200 लोगों का उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ उन्होंने चेक करने के बाद में जिन लोगों का सही पाया गया उनको अलग बैठा दिया गया और जिन लोगों की मिस्टेक थी वो उनको हटा दिया गया। तो जो सही थे सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया, उस फॉर्म फिल करने के लिए करने पर वहाँ एक फ़ोटो चिपकाने के लिए बताया गया और साथ में 5 फ़ोटो और संलग्न करने के लिए बोला उन्होंने, यानी टोटल 6 फ़ोटो, इसमें लिखा 5 है लेकिन उन्होंने 6 फ़ोटो मांगे थे, ये लखनऊ का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग रुकिए, आपका एक टेस्ट लेंगे, तो उन्होंने एक 20 प्रश्न का एक टेस्ट पेपर सबको दिया बैठा के वहीं पर और सबसे कहा कि आधा घंटे का समय में इस पूरे प्रश्न पेपर को टिक करना था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर था पूरा, उसको टिक करके ही आपको देना था। तो बहुत सिंपल सा पेपर था, आराम से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। मैं खैर अभी वो चीज़ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप बहुत आसानी से पेपर दे सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, उन्होंने रिजल्ट नहीं बताया है अभी तक, रिजल्ट के लिए उन्होंने बताया है कि 3 से 4 दिन का इंतज़ार करिए, कुछ प्रक्रियाएं चलेंगी, आपका पर्सनल इंट्रैक्शन होगा यानी इंटरव्यू का थोड़ा बहुत जानकारी ली जाएगी, उसके आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। या और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि आप लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कोई सिर्फ 12th करके गया है, कोई BSc करके गया है, किसी को BPharma, DMLT, BMLT या इस तरह की जो क्वालिफिकेशन है, और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि किसी किसी को एक्सपीरियंस भी है, जैसे आप DMLT कर लेते हो, आप कहीं जाके ज्वाइन कर लेते हो प्राइवेट हॉस्पिटल, आप वहाँ काम करते हो, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो हो सकता है वो पे स्केल पर कुछ असर डालेगा, यानी आपका जो पे स्केल होगा वो हो सकता है नॉर्मल 12th लेवल या BSc लेवल से अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, कन्फर्म नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए उन्होंने कोई फिक्सेशन नहीं बताई है। तो ये उन्होंने करने के बाद में पूरा ट्रेनिंग दिया कि आपको एम्बुलेंस में करना क्या है, कैसे करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ होते हैं, उन इक्विपमेंट का यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ उन्होंने बैठा के वहाँ, एक डॉक्टर थे उन डॉक्टर ने पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाया था। उसके बाद उन्होंने आप एम्बुलेंस में रहते हैं तो आपको क्या फिलिंग करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको फिलिंग करनी है, किस तरह के वहाँ रजिस्टर मिलेंगे आपको, वो सारी चीज़ें दिखाई थी कंप्लीट तरीके से, एक एक कॉलम पे क्या क्या भरना है, कितना समय मिलता है उसको भरने के लिए, ये सी चीज़ उन्होंने बताई थी। वहाँ आपको एक मोबाइल दिया जाएगा, एम्बुलेंस पे अलग से मोबाइल होता है, उसी में एक एप्लीकेशन भी होती है अलग से इनकी, उस एप्लीकेशन पर भी आपको वो फिल करना होगा। तो कुछ बड़ा इशू नहीं था, बहुत ईजी चीज़ वो बता रहे थे कि कुछ बड़ा दिक्कत नहीं आता है, बहुत ईजी गोइंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ करनी है, नौकरी बहुत टफ़ नहीं है, अच्छा काम है, आप किसी मरीज़ की जान बचाते हैं, किसी इंसान की जान बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है कि अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि अस्पताल पहुंचाना है तो उसके पास वाहन की व्यवस्था नहीं है, उसने कॉल की, आप तुरंत सीन साइट पर गए यानी जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो उस पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, आपने उस पेशेंट को उठाया, एम्बुलेंस में अंदर किया और उसकी सबसे पहले आप जहाँ वहाँ EMT हो आप, तो आप तुरंत उसकी ब्लीडिंग को रोकेंगे, किसी का सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको ऑक्सीजन देंगे, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में रहता है, तो ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल, और आप तुरंत उसको लेके अस्पताल निकलेंगे, यानी आपको तुरंत
थी उसको अस्पताल तक पहुंचाना है सही सलामत मैनेज करते हुए। आप अगर उसको कर जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा काम है, क्योंकि यही चीज़ें शुरुआत में आवश्यक होती हैं मरीज़ की जान बचाने के लिए। ठीक है, और ये वैकेंसियाँ क्यों निकल रही हैं, चलिए मैं अंत में ये बता देता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ अब एक पेपर के कटिंग पर। देखिए ये पेपर की कटिंग है, यहाँ आज ही का पेपर है ये। एम्बुलेंस चालकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, 2789 और बर्खास्त, यानी इससे पहले कुछ बर्खास्त किए गए थे, दोबारा से फिर बर्खास्त हुए हैं। कुछ चीज़ें चल रही थी इसके पीछे, कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, उन चीज़ों को लेकर एम्बुलेंस चालकों ने और उसके जो स्टाफ हैं उन्होंने इस हड़ताल कर दी थी पिछले कई दिनों से। आप लोग न्यूज़ पे हो सकता देख रहे हों या पेपर पढ़ते हों तो पेपर में जानकारी हो, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़बड़ी मच गई थी, अस्पतालों तक मरीज नहीं पहुंच रहे थे, कई मरीजों की न पहुँच पाने की वजह से या लेट पहुँचने की वजह से मौत भी हो गई थी। तो ये समस्याएँ जब हो रही थी तो गवर्नमेंट से जो कंपनी एम्बुलेंस का परिचालन करती है उन्होंने बात करके निर्णय बाद में यही लिया कि दो उनको निकाल दिया जो लोग हड़ताल पर थे। उसी की रिगार्डिंग तुरंत भर्तियां निकाल दी हैं कि तुरंत, क्योंकि ये मेडिकल व्यवस्था ऐसी है कि उसको तुरंत बहाल की आवश्यकता है। आप जितना लेट करेंगे उतना ही मरीजों की जान जाने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक जो हुआ था कि इन्होंने पहले पे स्केल कम किया, इसी बात पर कुछ हंगामा हुआ तो फिर जितना था पे स्केल उतना ही कर दिया कंपनी ने। लेकिन फिर एम्बुलेंस चालक और जो EMT थे उन्होंने कहा कि हमको संविदा के तौर पर रखा जाए कि बार बार हमको डर ना रहे कि हमको निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ और भी इन्होंने पे स्केल को भी बढ़ाने की बात करी थी। तो इस बात पर ना गवर्नमेंट राजी हुई है और ना कंपनी, इसीलिए उन सबको निकाल दिया और नई भर्ती तुरंत निकालना शुरू कर दी है। देखिए इस बेरोज़गारी में जो भी नौकरी मिलती है वो ही बेहतर है। आप लोग अगर ना कर पा रहे इससे बेहतर कर रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग वहाँ करें। लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहे हैं और जो मौका देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ करना है, तो मेरा तो सबको यही कहना है कि आप इस टाइम में आप ज़रूर ज्वाइन करें, कुछ पैसे आएंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप वहाँ ऐसा काम करेंगे जो किसी की जान बचाएगा, इससे ज़्यादा अच्छा काम और कुछ नहीं है इस दुनिया में। सबसे प्रेस्टिजियस जॉब हैं ये डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ्स की, ये अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो कुछ नहीं है इससे अच्छा फाइनेंशियली काम कर रहे हैं वो लोग अपना वो करते रहें, उनको छोड़ने की सलाह नहीं है। लेकिन जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और इंतज़ार में हैं कि हमको भी कहीं ज्वाइनिंग मिले तो बहुत अच्छा है। आप लोग अपने नज़दीकी सेंटर पर ज़रूर जाके अपना फॉर्म फिल करें और वहाँ पर अपना सेवाएँ देने के लिए उसमें रहें। तो ये थी पूरी सूचना इस वीडियो में। कोई भी किसी को क्वेरी हो, किसी को भी फॉर्म भरने से संबंधित या किसी भी चीज़ की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। मात्र 3 दिन हैं, अपना फॉर्म जरूर कल ही चले जाएं जहां भी नज़दीक पड़े आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में अभी तक इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें लोगों को कि जिससे उनको भी पता चल जाए और वो भी इसमें अपनी सेवा दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।